हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। जैसे कि आपको पता है, हमारी नेम रिएक्शन के लेक्चर सीरीज आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हॉफमैन कर्टिस लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एज वेल एज वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन से ऐसे इंटरमीडिएट है जो कि हॉफमैन में, कर्टिस में, लॉसन में या फिर उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस भी यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। पहले एक जनरल आइडिया लेंगे रिएक्शन के, याद कैसा रखना है हमारी नेम रिएक्शन, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो हरे अप गाइज, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे कनेक्ट हो जाएंगे तो मजा आएगा, मैक्सिमम मेरे फ्रेंड यहां पे कनेक्ट हो जाएंगे तो उनके जो आईआईटी में जाने का सपना है, उनके जो प्रिपरेशन चल रहे, उसे बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, तो आज का सेशन क्या रहेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन पार्ट। उससे पहले नेम रिएक्शन पढ़ने क्यों जरूरी है दोस्तों, नेम रिएक्शन पढ़ने क्यों जरूरी है, नेम रिएक्शन के बेसिस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो हरे अप गाइस, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना है, जितने भी मेरे फ्रेंड यहां पे कनेक्टेड है जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो की लिंक को शेयर करना है, ताकि आप जितना ज्यादा शेयर करोगे हर एक से एक भी बच्चा कनेक्ट हो सके, तो उसके लिए कुछ हेल्पफुल बातें यहां पे आपको मिलने वाली है। तो नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी को पता है नेम रिएक्शन में हॉफमैन कर्टिस लॉसन रीअरेंजमेंट एंड उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, एज वेल एज उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है, इसकी कॉन्टेस्ट ऐप में डाउनलोड की है, कॉन्टेस्ट देना है जिसमें 5 क्वेश्चन ही है, लेकिन 5 क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में है विद ऑप्शन। कॉन्टेस्ट कैसे देनी है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जस्ट आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, और जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो एमएससी एंट्रेंस के सेशन में, फ्री वीडियो के सेशन में आपको नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन ऐसे पार्ट दिखाई देगा, उसमें से लेक्चर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 2 कल होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ध्यान से देखिए, हॉफमैन कर्टिस लॉसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हरे अप गाइस, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रंजना नहीं मिला, हो नहीं सकता, मैंने खुद टेस्ट दिए। क्या करना है, प्ले विन लर्न ऐसे एक ऑप्शन है और फ्री वीडियो ऐसा एक ऑप्शन है। जैसे आप एमएससी एंट्रेंस के सेशन के अंदर गए, आईआईटी जाम के सिलेक्शन किया होगा आपने जब रजिस्ट्रेशन किया है, और जैसे आप प्ले विन लर्न का एक सेशन है और फ्री वीडियो का एक सेशन है, फ्री वीडियो के सेशन में एंटर करते हो तो आईआईटी जाम का सेशन है जिसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक सेशन के अंदर नेम रिएक्शन टॉपिक बना है। नेम रिएक्शन का टॉपिक 4 नंबर का टॉपिक ऊपर से यहां पे गिवन है, 4 नंबर के टॉपिक पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको टेस्ट दिखाई देगी, वो टेस्ट आपको देनी है। ठीक है, कैसे टेस्ट देनी है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, एक बार फ्री पीवाईक्यू जहां पे मिलते हैं उसके रिगार्डिंग भी मैंने बात की थी, जहां पे फ्री पीवाईक्यू। रंजन, आपने फ्री पीवाईक्यू देखा, आपने फ्री पीवाईक्यू फ्री वीडियो में फ्री पीवाईक्यू देखे हैं या नहीं, रंजना बताए जल्दी से जल्दी। 2005 से लेकर 2022 तक के फ्री पीवाईक्यू का सेशन आपको दिखाई दिया, कैसे आपको फ्री वीडियो देखने, इसका वीडियो दोस्तों बना के दिया है मैंने। रंजना, आपको पीवाईक्यू का सेशन वहां पे दिखाई दिया, उसी के ऊपर नेम रिएक्शन का सेशन दिखाई देगा, ध्यान से क्लिक करना है, चेक करना है। मैं कल के भी कॉन्टेस्ट अपलोड कर दूंगा, कल मॉर्निंग में भी आपको कैसे कॉन्टेस्ट देना है उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बनाया है, जैसे हमने फ्री पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे उसका वीडियो बनाया था, सेम। हाँ, देखा है रंजन आपने फ्री पीवाईक्यू,
उसी सेशन के ऊपर वाला सेशन आप देख लेना, नेम रिएक्शन का है, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट दी है, मैंने खुद क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, तो वहां पे देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज हटाने वाला थोड़ी हूं, कल सॉल्व कर लेना, कल के लेक्चर के और आज के लेक्चर के जो आपको कॉन्टेस्ट प्रोवाइड किए हैं कल मॉर्निंग में सॉल्व कर सकते हो, कल इवनिंग तक, कल के लेक्चर से पहले आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो हमारे टॉपिक की ओर प्रोसीड करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन, उल्फ कर्टस लोसन रीअरेंजमेंट एंड उल्फ रीअरेंजमेंट, क्यों हमने यही टॉपिक सिलेक्ट किया, इसमें आप देखिए, जैसे हम सिलेबस की ओर प्रोसीड करेंगे, ये हमारा आईआईटी जाम का सिलेबस है, आईआईटी जाम 23 का सिलेबस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेशन यहां पे देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, ये फर्स्ट टॉपिक दिया है उन्होंने, है ना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन से ये पूरा जो है मैंने फोटो लिया है, ताकि आपको पता चले हमारा जो डायरेक्शनल वे है, जिस डायरेक्शन से हम पढ़ रहे, क्या हम जो पढ़ रहे वो हमारे सिलेबस का पार्ट है या नहीं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेकंड देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन में केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बन कटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बिन, यहां पे गिवन है। नेक्स्ट आप देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म ये पार्ट है, और नेम रिएक्शन उन्होंने स्पेसिफाई किया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने हाईलाइट किए, फर्स्ट क्या दिया है, हॉफमन कर्टस लोसन एंड उल्फ रीअरेंजमेंट, ये जो है चार रिएक्शन आज हम पढ़ रहे, कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सिमन स्मिथ रिएक्शन एंड रिमर टिमन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन, थर्ड क्लास में हम पढ़ेंगे माइकल रिएक्शन एंड डार्जन रिएक्शन, फोर्थ क्लास में हम पढ़ेंगे विटेग रिएक्शन एंड मैकमोरी कपलिंग, फिफ्थ क्लास में हम पढ़ेंगे पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड फेवरस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एंड जो सिक्स सेशन होगा बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट एंड बियर विलिगर रिएक्शन। तो ये हमारे जो स्पेसिफाई किए गए नाम है, वही सिलेबस हम इस वीक में कंप्लीट करने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक में सेकेंड जो सब्जेक्ट दिया है, सेकेंड जो टॉपिक दिया है, उसके नेम रिएक्शन मैंने आपको यहां पे बता दी है, ठीक है। तो नेम रिएक्शन में सिंपली हॉफमन कर्टस एंड लोसन उल्फ रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आज के सेशन में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हरे अब गाइस, अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, मैक्सिमम मेरे फ्रेंड यहां पे कनेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आज का सेशन आपको यहां पे 1 to 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और पहले तो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, क्या होती है हॉफमन रिएक्शन, क्या होती है कर्टस रिएक्शन, क्या होती है लोसन रिएक्शन, क्या होती है सिंपली उल्फ रीअरेंजमेंट, कौन से ऐसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो हॉफमन कर्टस लोसन एंड उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हरे अब गाइस, ये हमारा सिलेबस है, सिलेबस में से फर्स्ट चार नेम रिएक्शन आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, YouTube से भी हमारा विद अ गुड रैंक रिजल्ट आ सकता है, अगर हमने डायरेक्शनल वे से स्टडी किया, डायरेक्शनल वे से स्टडी करते ही आपको एक कंसाइज मैनर में स्टडी किया, तो आपका YouTube से भी विद अ गुड रैंक रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहां पे जितना 5 पॉइंट्स दिखाई दे रहे, 5 टॉपिक्स दिखाई दे रहे, डेली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ये पूरा सिलेबस यूट्यूब पे कवर करने की हम कोशिश करेंगे। जो बच्चे हमारे से किसी कारणवश इकोनॉमिकल कारण से अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए यूट्यूब के माध्यम से हम कनेक्ट हो रहे, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बूस्टअप हो, उनको भी जो उनका सपना है आईआईटी क्रैक करने का वो पूरा हो सके।
तो ये पूरी बातें 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑर्गेनिक का सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टीरियो ऑलरेडी कवर किया है। सेकेंड में जो हमारे अरफा सर थे उन्होंने रिएक्टिव इंटरमीडिएट का पार्ट कवर किया है। जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसका पार्ट इस वीक में हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, रिएजेंट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेरिसाइक्लिक सिग्माट्रोपिक डिसऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट यहां पे देखिए यूवी आईआर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक टूल्स, अल्कोलाइड्स, स्टीरॉइड्स, टर्पिनॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट का पार्ट भी YouTube पे हम कवर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में मोनोसाइक्लिक क्या होता है, पायरोल सिंथेसिस, पिरिडिन सिंथेसिस, मोनोसाइक्लिक दिया है। बाइसाइक्लिक में इंडोल सिंथेसिस या फिर उसके आगे वाले आइसोक्विनोलिन क्विनोलिन सिंथेसिस वाला पार्ट यहां पे हम कवर करेंगे। सिमिलरली मोनोसाइक्लिक कंपाउंड वन हाइड्रोजन एटम और वन हेट्रो एटम, तो वन हेट्रो एटम में सिंपली हम देखेंगे पायरोल है, पिरिडिन है, थायोफिन है, इंडोल है, तो ये हमारे मोनो और बायसाइक्लिक के कंपाउंड है, वो भी हम हेट्रो में कवर कर देंगे। तो जितना सिलेबस दिखाई दे रहा है पूरा सिलेबस आपका इसी YouTube चैनल पे सॉर्टेड मैनर में स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से और इजी वे से आपको पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसके लिए बस आपको IFS के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना है दोस्तों, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जितना सिलेबस यहां पे मैं कवर कर रहा हूं उसके कॉन्टेस्ट आपको अपलोड करके दे रहा हूं फ्री ऐप में। तो फ्री ऐप में जस्ट आपको कॉन्टेस्ट देनी है, फिर लेक्चर के लिए आना है ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो कोई मेरा फ्रेंड पढ़ाई से दूर ना रह सके, उसके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना आए, इसके लिए IFS ने एक इनिशिएटिव लिया है कि पूरा सिलेबस YouTube पे कवर किया जाए, पूरा सिलेबस YouTube पे कवर किया जाए, वो भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का विद एग्जांपल विद गुड क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में सिलेबस का जो पार्ट है कर्टस लोसन हॉफमन रीअरेंजमेंट एंड उल्प रीअरेंजमेंट वाला पार्ट हम कवर करेंगे। चलो तो उसमें से हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी हॉफमन रिएक्शन। उससे पहले अगर कोई IFS से जुड़ना चाहता है, ऐप में हमारे साथ पढ़ना चाहता है, क्योंकि हर एक बात YouTube पे तो पढ़ाई जाएगी है, लेकिन कुछ एडिशनल बातें जो है वो ऐप में भी रहेगी। टीचर हैंडआउट नोट्स ऐप में रहेंगे, टेस्ट सीरीज ऐप में रहेगी, जो भी डेली के PDF होते हैं, DPP होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ऐप में ही मिल सकते हैं। तो लाइव पढ़ने का मौका, क्योंकि 2 साल पहले कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था, जैसे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं पे भी बैठे हो, आपको बस मोबाइल पे IFS का ऐप डाउनलोड करना है, फ्री सेशन में पढ़ना है, या फिर IFS के ऐप के अंदर बैच में एनरोल करके पढ़ने का मौका मिल रहा है। और यहां पे देखिए प्राइस कितनी है दोस्तों, मिनिमल प्राइस, प्राइस कितनी दी है यहां पे 3300, और ये वैलिडिटी कितने 3300। स्पेशल प्राइस में आप IFS के ऐप में एनरोल कर सकते हो। बैच आज से ही स्टार्ट हो रही है, 6 महीने की ये प्राइस है, उसके लिए प्रोमो कोड यूज करना है रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन प्रोमो कोड यूज करने के लिए IFS के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर दीजिए, रिवोल्यूशन प्रोमो कोड यूज कर दीजिए और IFS फैमिली मेंबर बन जाइए, IFS के ऐप के अंदर आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और यहां पे आपके लिए एक इनिशिएटिव एक्स्ट्रा, 6 मंथ की वैलिडिटी थी, आज लास्ट डेट है, हमने 7 मंथ की कर दी है। एक्स्ट्रा 1 मंथ वैलिडिटी के साथ आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 3300 रुपीज में 6 मंथ, और 6 मंथ क्या
एक एक्स्ट्रा है तो यहां पे 7 लिखना जरूरी है, 6 + 1 = 7 months। और यही आप देखोगे, आपने 600 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए तो ये जो 7 months है उसका कन्वर्जन 14 months में होगा, मतलब 3900 में आपको पूरे 14 months का सब्सक्रिप्शन रहेगा। जो मेरे फ्रेंड 24 के लिए टारगेट करे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी में टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, इसी में आपको पूरा लाइव बैच इंक्लूड है, रिकॉर्डेड सेशन में लेक्चर्स रहेंगे, टीचर हैंडआउट नोट्स रहेंगे, डीपीपी रहेंगे, सब कुछ इसी मिनिमल प्राइस में। 14 months मतलब एक साल और दो एक्स्ट्रा मंथ, जस्ट 3900 रुपीज आप अवेल कर सकते हो। उसके लिए भी प्रोमो कोड क्या यूज करना है, रिवोल्यूशन। और देखिए फॉर टुडे, कल से ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के और प्रोसीड करते हैं। तो फ्री ऐप के अंदर इसके लिए चार्जेस नहीं है, जो हमारे फ्रेंड ये भी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके लिए भी IFS ने एक इनिशिएटिव लिया है। जैसे कि PYQ विद डिटेल सॉल्यूशन, पिछले कई दिनों से मैं बोल रहा हूं 29 टॉपिक के PYQ विद डिटेल वीडियो सॉल्यूशन एंड टीचर हैंडआउट नोट्स आपको फ्रीली ऐप के अंदर अवेलेबल करके दिए जा रहे हैं, उसके लिए कोई चार्जेस है नहीं। स्कॉलरशिप टेस्ट का सेशन बना है, स्कॉलरशिप टेस्ट वहां पे आप दे सकते हो, जो मंथली हमारी 15 और 30 ये जो 2 दिन है स्कॉलरशिप टेस्ट होती है, वो स्कॉलरशिप टेस्ट वहां पे अवेलेबल है। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे और सैंपल स्टडी मटेरियल जो IFS के बुक्स है उसकी स्टडी मटेरियल की सैंपल कॉपी आपको मिलेगी, एंड टॉपर स्ट्रेटेजी ये पूरा पार्ट फ्रीली अवेलेबल है ऐप के अंदर, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। तो ये था थोड़ा सा आपको फ्री सेशन, और बहुत सारा है, थोड़ा मतलब बहुत है, इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्टअप हो सकती है। तो सिंपली आप एक बार विजिट कर दीजिए ऐप को और आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन जो है विच इज होपमन ब्रोमामाइड रिएक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। होपमन ब्रोमामाइड रिएक्शन मैकेनिज्म, तो सिंपली फर्स्ट यहां पे देखिए स्टेटमेंट, व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विद द Br2 इन एक्वस और इथियोलिक सोल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब सिंपली NaOH हमारे पास गिवन है, अमाइड हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, इन प्रेजेंस ऑफ Br2 रिएक्शन हो रही है, डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा अमाइन फॉर्मेशन होगा, लॉस ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा, ठीक है। प्राइमरी अमाइन फॉर्म कंटेन 1 carbon लेस देन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अमाइड, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन होंगे उसमें से 1 carbon लॉस होगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 carbon कम हो रहा है। दिस रिएक्शन इज सिंपली कॉल्ड एज होपमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो जैसे कि यहां पे दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा दोस्तों, अमाइड होगा। अब अमाइड स्टार्टिंग मटेरियल, व्हाट इज मीन बाय अमाइड, RC डबल बॉन्ड NH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, बातें तो चलती रहेगी। तो सिंपली अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो बेस पहले नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है वो पिक करेगा, और जैसे ही नाइट्रोजन का प्रोटॉन पिक करेगा बॉन्ड आगे शिफ्ट होके इनोलेट लाइक मॉइटी होगी, और हमारे पास Br2 जो रिएजेंट प्रेजेंट है ऑक्सीजन की लोन पर आगे इनोलेट के थ्रू यहां पे अटैक, लॉस ऑफ Br, सिंपली नाइट्रोजन पे Br ग्रुप बाइंड होगा, नाइट्रोजन पे क्या होगा Br ग्रुप बाइंड। फर्दर जो बेस है यहां से ही प्रोटॉन पिक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके बॉन्ड आगे, नेक्स्ट इनोलेट लाइक मॉइटी विल बी फॉर्म, निगेटिव चार्ज भी यहां पर हम दिखा सकते हैं,
और निगेटिव चार्ज है बीआर लॉस मतलब नाइट्रीन, और नाइट्रीन कैसे जनरेट हो रहा है, किटीन आपने देखा होगा, आइसोसाइनाइड आपने देखा होगा, उसी टाइप की कुछ रिएक्शन हो रहे, जैसे कि बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर से बॉन्ड वापस आ गया, अब कार्बन की वैलेंसी देख लेना, एक दो तीन चार, और डबल बॉन्ड बनेगा तो पांच, क्या कार्बन पांच बॉन्ड बना सकता है, नो, तो यहां से जो कार्बन पे आर ग्रुप है वो माइग्रेट होगा नाइट्रोजन पे एंड लॉस ऑफ बी आर, तो यहां पे लिखा है आर शिफ्ट, आर ग्रुप हमारा क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए जनरेशन ऑफ आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट का जनरेशन, और इस आइसोसाइनेट पे जैसे ही वॉटर के एडिशन होगी तो जनरेशन ऑफ दिस मॉइटी एंड NaOH, इस वॉटर से जो अटैक हुआ है OH उसका प्रोटॉन पिक करेगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड ओपन एंड क्लोज एंड लॉस ऑफ दिस ग्रुप, जनरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड CO2, इट इज अ सिंपली कॉल एज होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसे क्या कहा जाएगा, होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहां पे क्या है सर, कितना टाइम हुआ स्टार्ट हुए, बेटा कुछ नहीं, फर्स्ट रिएक्शन है होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है, तो सिंपली हम यहां पे मैकेनिज्म देख सकते हैं, लॉस ऑफ CO2 हो रहा है, मतलब एक कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और अमाइड का कन्वर्जन अमाइन में हो रहा है, कुछ पार्ट डिग्रेडेड हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग मटेरियल में अमाइड था, NaOH से प्रोटॉन पिक किया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन पे अटैक, नाइट्रोजन पे बीआर ग्रुप बाइंड, नेक्स्ट स्टेप में NaOH से प्रोटॉन पिक किया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, बीआर लॉस, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन, नाइट्रीन के लोन पे आगे शिफ्ट आर ग्रुप शिफ्ट, जनरेशन ऑफ आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट पे अटैक वाटर का, लॉस ऑफ CO2 एंड जनरेशन ऑफ अमाइन, जो आर ग्रुप कार्बन पे था वो शिफ्ट हो चुका है नाइट्रोजन पे, जो आर ग्रुप कार्बन पे था वो शिफ्ट कहां पे हुआ है, नाइट्रोजन पे, इट इज अ सिंपली कॉल्ड एज होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पे हमने डिस्कस किया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये थे हमारे होपमन, इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखिए, सिमिलर रिएक्शन है, कर्टियस हो, होपमन हो, लोसन हो या उल्फ हो, सिमिलर रिएक्शन है, जैसे कि द कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज फर्स्ट टाइम डिफाइंड बाय कर्टियस इन 1885, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम दिया है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिल अजाइड टू आइसोसाइनाइड विद अ लॉस ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब यहां से N2 गैस लॉस होगी, एंड रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, N2 गैस लॉस होगा, एसिल अजाइड स्टार्टिंग मटेरियल होगा, आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट होगा, तो रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन विजिबल होगी, क्लियरली आपको दिखाई दे रही होगी, सिंपली आप देखिए ये असिल अजाइड है, असिल अजाइड, तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर निगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, इस नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज का जनरेशन, एंड आर सी डबल बॉन्ड ओ एन निगेटिव, एंड यहां से N2 पॉजिटिव, अब यहां से अगर N2 निकल गया तो जनरेशन ऑफ नाइट्रीन बनेगा, मोनोवैलेंट स्पेसिस, जनरेशन ऑफ नाइट्रीन सी डबल बॉन्ड ओ और एन, यहां पे निगेटिव चार्ज था, यहां पे लोन पे, मतलब नाइट्रीन का जनरेशन, निगेटिव चार्ज को दोनों इलेक्ट्रॉन लिख सकते, फिर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, और आर ग्रुप नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा, जैसे होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हो रहा था, तो सिंपली यहां से आर ग्रुप जो है, जैसे नाइट्रोजन आगे शिफ्ट होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, आर ग्रुप माइग्रेट टूवर्ड्स नाइट्रोजन एंड लॉस ऑफ N2 एंड जनरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, क्या जनरेट होगा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड पे वॉटर का अटैक किया तो प्रीवियसली जैसे एग्जाम्पल में मैकेनिज्म हुआ था वॉटर का, यहां पे अटैक, बॉन्ड ओपन क्लोज, नाइट्रोजन से प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस,
और जैसे ही प्रोटोनेशन होगा दोस्तों, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा, जनरेशन ऑफ आर एनएच सी डबल बॉन्ड ओ ओएच। अब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होगा, सीओ टू बाहर निकलेगा यहां से, और सीओ टू बाहर निकलने के बाद जनरेशन ऑफ अमाइन। सिमिलरली अगर हमारे पास आइसोसाइनाइड है, ऐसे आइसोसाइनाइड बनेगा ना, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब आर इज इक्वल टू मिथिल है, सी एच थ्री ग्रुप है, तो उसे क्या कहा जाएगा, मिथिल आइसोसाइनाइड। अब मुझे बताएं दोस्तों, मिथिल आइसोसाइनाइड ये जो गैस था, एक गैस की ट्रेजेडी हुई थी, उससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इस ट्रेजेडी कहां पे हुई थी, गैस भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेरी गुड। तो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो गैस लीक हुई थी, वो क्या थी, मिक मिथिल आइसोसाइनाइड। आर इज इक्वल टू सी एच थ्री ग्रुप है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मिक मिथिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट यहां पे देखिए, सिंपली ओ आर एच है, तो ओ आर का अटैक कहां पे करना है, कार्बोनिल पे, और यहां से एच, मतलब नाइट्रोजन पे एच एंड कार्बोनिल पे ओ आर ग्रुप अटैच होगा एंड जनरेशन ऑफ कार्बामाइड। यहां पे कार्बामाइड का जनरेशन होगा। एस और नो, जो जो भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी, जो बहुत सारे लोग वहां पे जो डेथ हुए थे, वो इसी के कारण हुए थे, मिक के कारण, मिथिल आइसोसाइनाइड के कारण। नेक्स्ट यहां पे जैसे ओ आर था वैसे ही एन आर होगा, मतलब नाइट्रोजन पे आर ग्रुप एंड एच ग्रुप कहां पे बाइंड होगा, सिंपली नाइट्रोजन कार्बोनिल पे ओ आर ग्रुप, नाइट्रोजन पे एच ग्रुप, जनरेशन ऑफ यूरिया डेरिवेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों साइड में एनएच टू है तो यूरिया कहेंगे, इट इज अ यूरिया डेरिवेटिव। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, विच इज अ सिंपली कॉल्ड एज कर्टस रिएक्शन। तो कर्टस रिएक्शन का मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्टस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ है, वो इंटरमीडिएट क्या है दोस्तों, तो यहां पे आप देखोगे नाइट्रोजन आगे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आर सी डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोजन एंड इस पे एन टू पॉजिटिव, और लॉस ऑफ एन टू नेगेटिव चार्ज से एक एन टू निकल गया, जनरेशन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोजन इस नाइट्रीन का जनरेशन, और नाइट्रीन जनरेशन के बाद ये लोन पेयर आगे शिफ्ट, बॉन्ड ओपन क्लोज आर ग्रुप शिफ्ट एंड जनरेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में सिंपली ओ एच निगेटिव का अटैक यहां पे होगा, एच का अटैक यहां पे होगा, समझ में आ रहा है। तो एच अटैक नाइट्रोजन पे हुआ है, कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल, तो सिंपली यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल पे, और इलेक्ट्रोफाइल पे नाइट्रोजन का अटैक, जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। यहां पे हम कार्बामाइड कर सकते हैं, अमाइन कर सकते हैं, यूरिया डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव क्यों कहा, क्योंकि यहां पे मिथिल होगा तो मिथिल, इथिल होगा तो इथिल, प्रोपिल होगा तो प्रोपिल, यूरिया के डेरिवेटिव हम यहां पे फॉर्म कर सकते हैं, विच इज सिंपली कॉल्ड एज कर्टस रिएक्शन। इसे कर्टियस रिएक्शन कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दो रिएक्शन हमने देख लिए, अब यहां पे लोसन रिएक्शन। तो लोसन रिएक्शन में भी सेम है, एक साथ पढ़ने का जो हमारा मकसद था वो सेम था, कि हम कंपेयर कर सके। द लोसन रिअरेंजमेंट इज अ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोक्सामाइड ईस्टर टू द एन आइसोसाइनाइड। मतलब क्या है, यहां पे देखिए, यहां पे जस्ट आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल में क्या है, नाइट्रोजन पे ओएच ग्रुप है, हाइड्रोक्सी अमाइड। अब हाइड्रोक्सी अमाइड में सिंपली हमने क्या किया है, एलजी एक्स लिविंग ग्रुप है, एक्स ग्रुप है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर लिविंग ग्रुप पे अटैक करेगी एलजी पे, जिसमें जैसे कि टॉसिल क्लोराइड है, टीएससीएल, तो ये ओ जो है टॉसिल पे अटैक करेगा, सीएल लॉस होगा, जो कि यहां से हाइड्रोजन लेगा और एच एक्स का फॉर्मेशन, एच एक्स हुआ, और हीट के प्रेजेंस में, सिंपली आपका हीट और बेस के प्रेजेंस में, बेस यहां से प्रोटॉन पिक किया नेगेटिव चार्ज, और यहां से
लिविंग ग्रुप के साथ ऑक्सीजन चला गया तो जनरेशन ऑफ नाइट्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ एंड नाइट्रिन, नाइट्रिन के आगे वाली रिएक्शन तो इजी है, ए बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड आगे शिफ्ट और यहां पे आर, तो आइसोसाइनेड ही बना जिसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां पे बाइंड होता है दोस्तों, नाइट्रोजन पे, और न्यूक्लियोफाइल कहां पे बाइंड होता है, कार्बन को। तो सिंपली अगर आप यहां पे देखोगे तो ये क्या है न्यूक्लियोफाइल और एच क्या है इलेक्ट्रोफाइल, यही ग्रुप्स हमारे बाइंड हो जाएंगे हमारे स्टार्टिंग मटेरियल पे, यहां पे गिवन है ना। तो जो आइसोसाइनाइड है इस पे इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफाइल, दिस रीअरेंजमेंट इज सिंपली कॉल्ड एज लोसन रीअरेंजमेंट। तो दोनों जगह पे, तीनों जगह पे सेम है, OH का लिविंग ग्रुप बनाया, हॉफमन ब्रोमामाइड में नाइट्रोजन पे Br बाइंड किया लिविंग ग्रुप बनाया, और कर्टस रिएक्शन में भी N2 मतलब लिविंग ग्रुप बना दिया नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पे लिविंग ग्रुप बनाने के ही ये तीनों रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन थी हॉफमन ब्रोमामाइड जिसमें नाइट्रोजन पे Br लिविंग ग्रुप, नेक्स्ट कर्टिस रिएक्शन नाइट्रोजन पे N2 ग्रुप, थर्ड लिविंग ग्रुप OTS OMS ऐसे ग्रुप का फॉर्मेशन नाइट्रोजन पे विच इज द लोसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तीनों रिएक्शन सेम है ठीक है। अब उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, एक कार्बिन की रिएक्शन है, ध्यान से देखिए दोस्तों कैसे है। स्टार्टिंग रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच अल्फा डायहाइड्रो कार्बोनिल कंपाउंड इज कन्वर्टेड इंटू किटीन, यहां पे आइसोसाइनाइड नहीं किटीन का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि एक कार्बिन की रिएक्शन है नाइट्रिन की नहीं है, बाय लॉस ऑफ डाइनाइट्रोजन विथ एकम्पनिंग 1-2 रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रिएक्शन ही देख लेते हैं, उल्प रीअरेंजमेंट रिएक्शन में अल्फा डायअजो कंपाउंड रहेगा, क्या रहेगा डायअजो, नाइट्रोजन कंटेनिंग दो नाइट्रोजन है अल्फा टू कार्बोनिल। तो फर्स्ट यहां पे क्या होगा दोस्तों, सेम नाइट्रोजन की लोन पेयर आगे शिफ्ट होगी, यहां पे अल्फा टू कार्बोनिल निगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, यहां पे R निगेटिव चार्ज R2 और यहां पे N2 पॉजिटिव, लॉस ऑफ N2 एंड जनरेशन ऑफ R, जनरेशन ऑफ जैसे था वैसे लिखते डबल बॉन्ड O R और इसमें क्या है कार्बिन जनरेट हुआ और यहां पे क्या है R2। नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज एंड R1-2 माइग्रेशन विल बी टेक्स प्लेस, एंड जैसे R माइग्रेट होगा क्या जनरेट होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सर कनेक्टेड विद कार्बन डबल बॉन्ड और इसमें R2 ग्रुप एंड H है तो ये R2 और माइग्रेट क्या हुआ है R1 तो ये R1 है। दिस कंपाउंड इज सिंपली कॉल्ड एज किटीन, जैसे आइसोसाइनाइड बन रहा था वैसे किटीन का फॉर्मेशन, अटैक ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल तो OH ग्रुप कार्बोनिल पे अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन पे अटैक होगा मतलब कार्बोनिल पे OH का अटैक, और अल्फा पोजीशन जहां पे R1 एंड R2 ग्रुप है वहां पे सिंपली H ग्रुप बाइंड हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, दिस रिएक्शन इज सिंपली कॉल्ड एज विच रिएक्शन, ध्यान से देखिए विच इज उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, कार्बिन की रिएक्शन है जहां पे आइसोसाइनाइड बनेगा वो नाइट्रिन और जहां पे किटीन बनेगा वो कार्बिन की रिएक्शन है। नेक्स्ट यहां पे देखिए जो किटीन है वो 2+2 साइक्लोएडिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड है और किटीन यहां पे गिवन है R1 और R2, थर्मल कंडीशन में भी किटीन की 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होगी, 2+2 साइक्लोएडिशन यहां से अटैक यहां पे और यहां से यहां पे 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो 2+2 साइक्लोएडिशन किटीन दिखा सकता है, एसोसाइनाइड दिखा सकता है,
यहां पे डबल बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियर फॉइल, किटिन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे भी वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियर फॉइल, किटिन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनिल कार्बन पे अटैक, अल्फा पोजिशन से हाइड्रोजन बाइंड। दिस रिएक्शन इज सिंपली कॉल्ड एज उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हाँ बिल्कुल बेटा, ये बीएससी के लिए, बीएससी का सिलेबस देख लो ना, बीएससी के सिलेबस का ही पार्ट आपके आईआईटी जाम के एग्जाम में है। तो बीएससी के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन बीएससी। ठीक है, लास्ट वाला मैकेनिज्म एक बार अच्छे से, ओके डोंट वरी। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, मैं अभी अच्छी तरीके से मैकेनिज्म पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। नाइट्रोजन आगे शिफ्ट होगा, यहां पे निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड आर ग्रुप जिसे वन लिखा है, यहां पे आर टू ग्रुप है, निगेटिव चार्ज एंड एन टू, एन टू बाहर निकलेगा तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन पे है तो इसे कहा जाएगा किटिन, आर इसे क्या कहा जाएगा कार्बिन, ये कार्बिन जनरेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, बॉन्ड ओपन क्लोज आर ग्रुप किटिन पे शिफ्ट, और जैसे आर ग्रुप शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड होगा रंजना, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड, और इस पर्टिकुलर कार्बन पे आर टू ग्रुप भी था एंड माइग्रेट क्या हुआ है आर वन, तो इसे क्या आ जाता है किटिन, इसे क्या कहा जाएगा किटिन। अब किटिन पे ध्यान से देखिए दोस्तों, किटिन पे क्या होगा, किटिन पे वाटर का अटैक होगा तो ओ माइनस एंड एच प्लस होता है, तो ओ माइनस कहां पे अटैक करेगा दोस्तों, सिंपली किटिन पे ओ माइनस यहां पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, और यहां पे अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन पिक करेगा, मतलब यहां पे आर टू आर वन उस पर लगा प्रोटॉन, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे सिंपली क्या है सी डबल बॉन्ड ओ और अटैकिंग स्पेसिस ओ एच तो ओ एच, तो यही प्रोडक्ट मिला है हमें। अब 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन मतलब क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड R1 एंड R2 किटिन है और इसमें हमें दिया है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दिया है ना, तो ये डबल बॉन्ड कार्बोनिल पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज और यहां से अटैक यहां पे हो जाएगा, तो जनरेट क्या होगा दोस्तों कार्बोनिल, चार मेंबर रिंग, और इस पर्टिकुलर कार्बन पे R1 एंड R2, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है दो पाई इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी दो पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2+2 साइक्लो एडिशन, क्योंकि साइकिल बन रही है यहां पे, प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है विच इज अ सिंपली फॉर्मेशन ऑफ फोर मेंबर रिंग 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। रंजना समझ में आया है बेटा, एस और नो बताए जल्दी से जल्दी, बी क्विक हरी अप। लास्ट वाला मैकेनिज्म एक बार मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है, अच्छे से समझ में आया है या नहीं, बहुत आसान है दोस्तों बहुत आसान। क्या था, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड आर वन आर टू और यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहां पे अटैक, ये बॉन्ड यहां पे अटैक, बनी चार मेंबर रिंग और इसमें आर वन आर टू और यहां पे कार्बोनिल, तो ये जो है सिंपली 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर और नॉट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थी हमारी उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हमारे क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो रिएक्शन हमने चारों पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस देख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी 6+1 की जो ऑफर है उसके रिगार्डिंग हमने पहले ही बात की है, लास्ट डेट है, हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो और
आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हो। बैच में मिलेंगे, आज फर्स्ट लेक्चर हुआ है क्योंकि बैच आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो मिनिमल प्राइस है दोस्तों 3300, इतने मिनिमल प्राइस में, वो भी 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन। कितने मंथ का है? 7 मंथ। और अगर 3900 के साथ आप जुड़ते हो तो 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। जो बच्चे हमारे सेकेंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये पूरे फीचर्स आपको कहां पे मिलेंगे? फ्रीली, उसके लिए चार्ज नहीं है। वहां पे जाना है एंड अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसकी नेम रिएक्शन बतानी है और फाइनल प्रोडक्ट मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, ये आपके लिए द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जिसमें कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे N2 दिखाई दे रहा है, फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन है, मिथेनॉल आपका सॉल्वेंट यहां पे यूज किया है, और हर एक रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट ABCD MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इट इज नॉट MSQ, तो एक ही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सी रंजना सी, सुब्बाजीत घोष यहां पे बोल रहे ए, देखिए ध्यान से देखना है सुब्बाजीत, जो हमारी गलती एग्जाम में होती है हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को विजुलाइज नहीं करते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है और आप यहां पे एंड करते हो, यहां बेटा क्वेश्चन एंड नहीं होता, क्वेश्चन एंड होता है यहां पे। क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शन ये भी आपका क्वेश्चन ही है, तो करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने आंसर किया है, सी ऑप्शन है, क्योंकि आपने थोड़ी सी घाई की थी, गड़बड़ की थी, यहां पे मिथिल है, यहां पे OMe है, तो OMe ग्रुप अटैच होगा या फिर मिथिल, वो भी देखना जरूरी था ना। तो सिंपली मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, सिंपली कार्बोनिल इसमें 5 मेंबर रिंग और सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन निगेटिव पॉजिटिव, नाइट्रोजन की निगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगी अल्फा टू कार्बोनिल, यहां पे अनायन का जनरेशन होगा। अब जैसे अनायन का जनरेशन होता है और यहां पे N2 ग्रुप है, N2 पॉजिटिव, तो लॉस ऑफ N2 एंड जनरेशन ऑफ कार्बिन, अब कार्बिन का जनरेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? कमेंसेशन में टर्न होने से पहले आपका कमेंसेशन में नाम आना चाहिए, इस रिएक्शन का नाम क्या है? हरी अप में टर्न होने से पहले आपका नाम आना चाहिए, इस रिएक्शन का नाम क्या है? क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों, तो ये क्या है? कार्बिन जनरेशन, कार्बिन का ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के तरफ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन के तरफ जाएगा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, और सिंपली आप देखिए ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन है ना, तो सिंपली ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी टेक्स प्लेस, रिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जनरेशन क्या होगा? ये तो 5 मेंबर रिंग है ही, यहां पे आप देखिए ये जो रिंग हमारी बनेगी वो क्या बनेगी? 4 मेंबर, और इस कार्बन से डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ। अब हमें पता है मिथेनॉल गिवन है, मिथेनॉल गिवन है तो स्टार्टिंग मटेरियल में OMe का भी अटैक होगा, H का भी अटैक, H प्लस है, OMe माइनस है, OMe यहां पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज एंड H का यहां पे अटैक, जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, तो OMe होना जरूरी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और मैं यहां पे टर्न किया नहीं है फिर भी बता सकता हूं, सबने यहां पे उल्फ लिखा होगा, वेरी गुड। मुझे पता है व्रंजना अपर्णा जो भी हमारे फ्रेंड यहां पे कनेक्ट होते हैं, मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, इट इज अ उल्फ रिअरेंजमेंट रिएक्शन। तो चलो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करें।
ये भी देखिए N2A अल्फा टू कार्बोनिल फोटोकेमिकल है, मिथेनॉल है, मतलब ये भी उल्फ रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सॉल्व करो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बी क्विक, हरे अब गाइस, बी क्विक, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बी ऑप्शन, वेरी गुड। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, सिंपली आपकी रिएक्शन ऐसे हैं, स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास नॉर बोर्निल लाइक मॉइटी, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे कार्बोनिल और यहां पे डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन निगेटिव, ये बॉन्ड आगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे रहेगा, ये बॉन्ड आगे, जनरेशन ऑफ यहां पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज यहां पे कार्बोनिल और यहां पे क्या है N2 पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड है ये निगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, यहां से अटैक और लॉस ऑफ N2, एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं। तो जो रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, जैसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड है और यहां पे भी हमारा क्या था, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड पे सिंपली आप देखिए कितने मेंबर रिंग थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग विच हैविंग। अब जैसे किटिन का फॉर्मेशन होगा, यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, OMe का अटैक कहां पे होगा, यहां पे, और यहां से H बाइंड होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या रहेगा, B। समझ में आ रहा है या नहीं? डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, एसिड और डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, यहां पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेक कर लेना गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, बी, इट इज अगेन उल्फ रीअरेंजमेंट, तो करेक्ट बी है, बिल्कुल सही कहा था आपने। ये देखिए ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही यहां पे हो रही है, ध्यान से देखिए, मेटल एंड लिगैंड मतलब ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में भी आपका कार्बिन का जनरेशन होता है। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कीजिए, अच्छे तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। हरी अप, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट दोस्तों क्या होगा, बी क्विक, हरी अप गाइस, जल्दी से जल्दी आंसर करना है, सी ऑप्शन। अच्छा ठीक है, ध्यान से, थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या, सी ऑप्शन, सुब्बाजीत ने सी कहा है, चीकू ने बी कहा है, बी एंड सी में कॉम्पिटिशन है, क्योंकि चार मेंबर बनेगी नहीं और ये ओपनिंग वाला रहेगा नहीं। तो दिस रिएक्शन इज सिंपली कॉल्ड, रंजना ने भी बी कहा है, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज NH इंसर्शन रिएक्शन, कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन बिटवीन N एंड H। तो सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में यहां पे N2 का कन्वर्जन, ध्यान से देखिए यहां पे नाइट्रोजन था, इस पे H ग्रुप है और यहां पे OH ग्रुप है, बिलो द प्लेन से H है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे CO2 R और यहां पे N2 लॉस होके कार्बिन का जनरेशन। तो जैसे कार्बिन का जनरेशन होता है, यहां पे जो रिएक्शन होगी ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन लोन पेयर कार्बिन पे अटैक, कार्बिन पे अटैक करने के बाद कभी भी कार्बिन पे अटैक होता है तो चार्ज क्या बनेगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि सिंपली निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज सेम कार्बन पे है तो ही उसे कार्बिन कहा जाएगा, और इस एन एन एच के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, कार्बिन का इंसर्शन होगा एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, एन
सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सी एच इंसर्शन, यहाँ पे एच एंड नाइट्रोजन के बीच में कार्बिन का इंसर्शन, और यहाँ पे क्या था CO2 R। रिमेनिंग पार्ट एज इट इज दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, H H और OH। मान लो यहां पे अबोध प्लेन है OH, इसलिए मैंने अबो लिखा, यहां पे भी लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना बढ़े, अबो है तो अबो रहेगा, बिलो है तो बिलो। तो NH इंसर्शन रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में कार्बिन का इंसर्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, सी ऑप्शन होगा या बी। बी ऑप्शन में हमारे COOR की पोजीशन, और सी ऑप्शन में COOR की पोजीशन क्या है, यही तो क्वेश्चन था। तो कितने लोगों ने सी कहा है, कितने लोगों ने बी कहा है, गलत नहीं करना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर CN इंसर्शन रिएक्शन है, NHOH के बीच में कार्बिन इंसर्ट होता है, तो ये कार्बिन की इंसर्शन रिएक्शन है। समझ में आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जिन्होंने लिखा था बहुत बढ़िया, जिन्होंने बी किया है उन्होंने पोजीशन ऑफ COOR चेक नहीं की। समझ में आ रहा है या नहीं, इट इज अ कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन। जैसे सिमन स्मिथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो डबल बॉन्ड पे कार्बिन का इंसर्शन होता है, थ्री मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, सिमिलर ये कार्बिन इंसर्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बताए द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फोटोकेमिकल कंडीशन, मिथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन। करो थोड़ा सा जल्दी से जल्दी, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन दोस्तों, क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। पहले तो N2 को लॉस करेंगे, जी हा सर, जैसे ही N2 लॉस होगा, कैसे होता है N2 लॉस, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड किए तो पॉजिटिव चार्ज, दो बॉन्ड किए तो निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज का जनरेशन, निगेटिव चार्ज है उस पे N ट्रिपल बॉन्ड, N पॉजिटिव है, और निगेटिव से हमारा अगर ये ग्रुप जा रहा है तो इसे क्या कहा जाता है, कार्बिन। तो कार्बिन में देखिए एक निगेटिव चार्ज था, इससे ही N2 जा रहा है तो इसी कार्बन पे पॉजिटिव, एक ही कार्बन पे निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, तो हम दो डॉट से उसे दिखाते हैं, उसे कहा जाता है कार्बिन। डाइवेलेंट स्पेसेस विच हैविंग सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज सिंपली कॉल्ड एज कार्बिन। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, और यहां पे किटीन फॉर्मेशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी टेक्स प्लेस। अब जैसे ही रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, ध्यान से देखिए, बॉन्ड एज इट इज था, ए बॉन्ड एज इट इज था, ए बॉन्ड एज इट इज है, यहां पे कार्बोनिल, दो मिथिल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज नहीं किए, ए बॉन्ड ऐसे ही, और ये जो सिक्स मेंबर रिंग थी वो फाइव मेंबर बन चुकी है, मतलब ये जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, और जैसे फाइव मेंबर रिंग बनी तो इसके नेक्स्ट में डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब ये जो सिक्स मेंबर रिंग थी वो हमारी फाइव मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, तो फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में इजी है मिथेनॉल, तो OMe यहां पे अटैक करेगा, यहां से H प्लस पे अटैक किया जाएगा, मतलब सिंपली आप देखोगे फाइव मेंबर रिंग, यहां पे दो ग्रुप, यहां पे कार्बोनिल, और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे सिंगल कार्बन जिस पे हाइड्रोजन लगा, और ये जो कार्बोनिल है उस पे क्या लगा है, OMe ग्रुप। तो सिंपली अल्फा बीटा, बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन कहां पे हुआ है, बीटा कीटो ईस्टर। तो सिंपली आप देखिए डबल बॉन्ड, इसकी पोजीशन देख लेना, बहुत अमाइड तो बनेगा नहीं, डी एंड सी ऑप्शन इलिमिनेट, इन दोनों में देख लेना, जो दो मिथिल ग्रुप है उसके बीच में एक सी एच टू है, तो दो मिथिल ग्रुप,
उसके बीच में एक सी एच टू, नेक्स्ट कार्बोनिल, उसके नेक्स्ट में सी ओ एम ई अल्फा एंड बीटा, बीटा कीटो ईस्टर, ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक दो एंड तीन पोजीशन पे दिए हैं, तो बी ऑप्शन तो बनेगा नहीं, समझ में आ रहा है, तो ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। मैकेनिज्म में किसी को डाउट है क्या दोस्तों? अपर्णा, संजय, रंजना, चीकू, यहां पे आपको कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो दोस्तों, आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, रिजॉल्व किया जाएगा, समझ रहे हो, बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो लेबाइल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन क्या है, स्टार किया गया कार्बन है, उस स्टार किए गए कार्बन की पोजीशन देख लेना, यहां पे गिवन है, यहां पे रहा ही नहीं है, यहां पे अल्फा टू कार्बोनिल है, यहां पे एसिड पे ही हमारा स्टार किया गया कार्बन है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन है। तो देखिए लेबाइल कार्बन की पोजीशन कहां पे होगी, ठीक है, मैकेनिज्म करके देख लेना, स्टार रिप्रेजेंट 13C, लेबाइल कार्बन है, आइसोटोप है कार्बन का 13C, उसकी पोजीशन कहां पे रहेगी? एक तो फर्स्ट वाले केस में अल्फा टू अल्डिहाइड नाइट्रोजन दिया है, फाइव मेंबर रिंग में कार्बोनिल कार्बन पे और अल्फा पे, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी और सी, ए भी तो आपने इलिमिनेट किया होगा, बहुत बढ़िया, डी एंड सी में आंसर है, ये तो हमें देखते ही पता चला, यही तो हम चाहते हैं, दो ऑप्शन इलिमिनेट करने के स्टेज पे हमें आना है, रिमेनिंग टू ऑप्शन में सिलेक्टिविटी बताने के लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, डोंट वरी, दो ऑप्शन कैसे इलिमिनेट करना है उस पर फोकस करो, रिमेनिंग टू ऑप्शन में से सिलेक्ट कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। तो हम इस स्टेज पे होने चाहिए, चार दिखते ही हम दो ऑप्शन इलिमिनेट करें, रिमेनिंग टू में ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है धीरज सर आपको बताने के लिए यहां पे खड़े हैं। जैसे कि स्टार किया गया कार्बन है और यहां पे बना कार्बिन, मैंने डायरेक्टली यहां पे N2 लॉस किया, N2 के जगह पे कार्बिन बनाया, और जैसे ही कार्बिन बनाया ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, बॉन्ड ओपन क्लोज एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी टेक्स प्लेस, बट जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है एज इट इज दिखा रहा हूं, यहां पे डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्ड पे ही लेबाइल कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन किटिन, इसे सिंप्लीफाई प्लेनार फॉर्म में हम लिखेंगे, तो प्लेनार फॉर्म में फाइव मेंबर रिंग डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे हमारा लेबाइल कार्बन था, नेक्स्ट स्टेप में वाटर के एडिशन है, OH यहां पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, यहां से हाइड्रोजन पे अटैक होगा, और जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक होगा, फाइव मेंबर रिंग विच हैविंग हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ OH, लेबाइल कार्बन कहां पे रहा, एसिड का कार्बन हमारा क्या है, लेबाइल कार्बन है, तो डी ऑप्शन जो आपने कहा था वही करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझ में आया है, यस और नो? मैकेनिज्म में किसी को डाउट है? आपके कन्वीनियंट के लिए मैंने बहुत आसानी से जो है वो मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, और किटिन की पोजीशन ऐसे लिखी है, लेकिन उसे प्लेनार फॉर्म में लिखेंगे तो यही दिखाई देगा, समझ रहे हो या नहीं, यस और नो? वेरी गुड, नो डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट, चलो तो डी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कार्बिन फॉर्म एज ए इंटरमीडिएट इन, कार्बिन इंटरमीडिएट कहां पे फॉर्म होता है, डायरेक्टली नेम रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलन, उल्फ रीअरेंजमेंट, बैकमन रीअरेंजमेंट, उल्फ होपमन रीअरेंजमेंट, ऐसे चार ऑप्शन है, तो पहला वाला तो पिनाकोल पिनाकोलन कार्बोकैटायन 1,2 डायोल की रिएक्शन, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो फर्स्ट तो बन नहीं सकता,
होपमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, होपमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, नाइट्रोजन है मतलब नाइट्रीन, ये भी नहीं। बैकमन ऑक्साइम होता है और ऑक्साइम में वाटर लॉस होके रीअरेंजमेंट जब होगी तो कार्बोकटाइन का जनरेशन होगा, तो ये भी नहीं। उल्फर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जैसे किटीन बन रहा है, किटीन से पहले स्टेप में यहां पे N2 लॉस होके क्या बन रहा था, डायवेलेंस बेसिस विच हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन पे डायवेलेंस बेसिस है एंड 6 इलेक्ट्रॉन बेसिस है, मतलब यहां पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसे कहा जाता है कार्बिन, और कार्बिन हमारा उल्फर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में फॉर्म होता है। समझ में आ रहा है, लोसन कर्टस होपमन एंड कार्बिन की उल्फ मैंने एक साथ क्यों सिलेक्ट की है, ताकि आप अच्छे से कोरिलेट करके आंसर प्रिडिक्ट कर सको। तो यहां पे क्या था, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते, चलो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल कंडीशन है, N2 यहां पे गिवन है, एंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब एसिडिक कंडीशन है। तो बताइए जल्दी से जल्दी, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड, कार्बिन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो सिंपली यहां पे द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दोस्तों बी ऑप्शन, ध्यान से देखिए, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, कैरोथर का क्वेश्चन है दोस्तों, कैरोथर आसान है, डिफिकल्ट टास्क है नहीं, लेकिन कैरोथर का क्वेश्चन है। तो कैरोथर बॉस बुक किसी को अगर माना जाएगा रेफरेंस बुक में, तो वो कैरोथर है, माइकल लांस है, क्लेडन बुक है आपके एग्जाम के लिए, क्लेडन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के क्वेश्चन लेके मैं आता हूं डेली, तो ध्यान से देखिए, पहले तो क्या होगा, फोटोकेमिकल कंडीशन सर गिवन है, इसका मतलब यहां पे 6 मेंबर रिंग विच हैविंग OMe ग्रुप, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड विच इज कनेक्टेड विद 5 मेंबर रिंग। अब यहां पे 5 मेंबर रिंग पे बिलो द प्लेन से हमारा जो ग्रुप था, इसके नेक्स्ट में कार्बोनिल, और यहां पे देखिए एच ग्रुप है, और कार्बिन का जनरेशन हुआ है। कार्बिन कैसे जनरेट किया, लॉस ऑफ N2 इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल, नाइट्रोजन की नेगेटिव चार्ज आ गया आएगी, एंड नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, लॉस ऑफ N2 एंड जनरेशन ऑफ कार्बिन, कार्बिन का जनरेशन। अब देखिए ध्यान से, एसिडिक कंडीशन में OMe का कन्वर्जन OH में होगा, अगर हमने यहां पे H प्लस कंडीशन यूज की है तो OMe इथर बॉन्ड क्लीवेज विल बी टेक्स प्लेस एंड इथर विल बी कन्वर्टेड इनटू OH, इथर का कन्वर्जन OH में। नेक्स्ट यहां पे 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग पे बिलो द प्लेन से CH2 सी डबल बॉन्ड CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एंड कार्बिन, यू नो दैट कार्बिन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो सिंपली ए बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, एंड इट इज अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो पैरा पोजिशन से कार्बिन पे अटैक। अब ये ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है तो अटैक भी कहां से होगा, बिलो, क्यों, क्योंकि साइकलाइजेशन एक ही प्लेन में पॉसिबल है ना, साइकिल बनानी है तो ट्रांस वाली साइकिल थोड़ी बनेगी, एक फेज में ही तो साइकलाइजेशन होगा, और साइकलाइजेशन के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 6 मेंबर रिंग, यहां पे डबल बॉन्ड विच इज कनेक्टेड विथ 5 मेंबर रिंग, बिलो द प्लेन से कार्बिन पे अटैक जिसपे एक हाइड्रोजन था, नेक्स्ट यहां पे कार्बोनिल, नेक्स्ट यहां पे CH2 एंड बिलो द प्लेन से हमारा ग्रुप अटैच है, मतलब सेकेंड ऑप्शन बी प्रोडक्ट आपका बिल्कुल सही है, यहां पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बी। समझ में आ रहा है, तो यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या है, सिंपली ये जो पैरा पोजीशन है
उस पैरा पोजीशन से कार्बिन पे अटैक हुआ है, ठीक है, पैरा पोजीशन से कार्बिन पे अटैक हुआ है, और स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो बिलो ही रहेगी क्योंकि बॉन्ड जो है सब्स्टिट्यूट बिलो। अगर यही हमारा ऐसे दिया होता तो ये कभी नहीं होता। तो मैं अगर एग्जामिनर होता तो एग्जामिनर के टाइम मैं दोनों को सीन भी रख सकता था, एंटी भी रख सकता था, तो सीन वाला प्रोडक्ट ही हमारा मेजर रहेगा। यहां पे तो बाकी ऑप्शन आप इलिमिनेट करोगे, फोर्थ इलिमिनेशन, थर्ड इलिमिनेशन, फर्स्ट को भी इलिमिनेट किया, लेकिन ट्रांस भी दिया होता तो वो भी ऑप्शन आपको इलिमिनेट करना है। साइकलाइजेशन एक ही फेज में होगा, अगर यहां पे बिलो है तो अटैक होते समय आपका प्यारा पोजीशन से बिलो द प्लेन से ही अटैक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिखाया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आया है मैकेनिज्म? यस और नो? रंजना बिल्कुल हंस रहे, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं वही करता, कंफ्यूजन ज्यादा करने की कोशिश करता, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन अ कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो लोसन रिएक्शन, कर्टस रिएक्शन, हॉफमन रिएक्शन, उल्फ रिएक्शन, ये सभी चीजें जो है वो कार्बिन और नाइट्रीन की रिएक्शन है। तो यहां पे कार्बिन भी है, नाइट्रीन भी है, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। दो ऑप्शन एलिमिनेट करोगे आप, कार्ब अनायन और कार्बोनियम आयन इज सिंपली कॉल्ड एज कटायन। कार्ब अनायन मीन्स निगेटिवली चार्ज स्पेसिस, कार्बिन मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट, डाइवेलेंट स्पेसिस विच हैविंग सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन विच हैविंग सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इज सिंपली कॉल्ड एज नाइट्रीन। तो ये मोनोवेलेंट है, ये क्या है, दो आर ग्रुप है तो डाइवेलेंट है, और कार्बिन क्या हो, कार्ब अनायन क्या होगा, ट्राइवेलेंट स्पेसिस होगी, एज वेल एज कार्ब कैटायन भी हमारी ट्राइवेलेंट स्पेसिस है। कार्ब कैटायन ट्राइवेलेंट, कार्ब अनायन ट्राइवेलेंट, नाइट्रीन मोनोवेलेंट, कार्बिन डाइवेलेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो सिंपली कर्टस रिएक्शन में हमने देखा है असिल अजाइड लॉस ऑफ एन टू एंड जनरेशन ऑफ नाइट्रीन। मिक के बारे में मैंने बात की थी, मिथिल आइसोसाइनाइड भोपाल ट्रेजेडी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी मिक के कारण। मिक क्या होता है? CH3 कनेक्टेड विद नाइट्रोजन विच हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड O, इट इज आइसोसाइनाइड ग्रुप, एंड इसी कारण मिक के कारण हमारी जो है भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी, उसमें जो गैस लीकेज हुआ था वो क्या था, मिथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये नाइट्रीन वाला आंसर बिल्कुल सही है, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलो ये बताइए, द रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बिन नाइट्रीन, कार्ब कैटायन, कार्ब अनायन। इसी के साथ आपको इस रिएक्शन का नाम भी बताना है। फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, लॉस ऑफ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड NaOH स्टार्टिंग मटेरियल अमाइड, अमाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन मींस अमाइन। अमाइड का कन्वर्जन किस में हुआ है? अमाइन में हुआ है। तो स्टार्टिंग मटेरियल में क्या है? अमाइड है, अमाइड, और अमाइड का कन्वर्जन किस में हुआ है? अमाइन में हुआ है, लॉस ऑफ CO2, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है वो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रीन का, नाइट्रोजन का अटैक इस पे होगा, फिर बेस प्रोटॉन पिक करेगा, बीआर निकलेगा, तो नाइट्रोजन पे सिक्स इलेक्ट्रॉन मोनोवेलेंट स्पेसिस, तो नाइट्रीन का जनरेशन होगा। नेक्स्ट, टू ऑप्शन करेक्ट है। ये देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन विजिबल होगी। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहां पर रिएक्शन कौन सी है पहले देखिए,
आपको ये विजिबल होगा, स्टार्टिंग मटेरियल में नॉरवॉर्निल सिस्टम है और यहां पे दिया है N2 और यहां पे है कार्बोनिल। इसका प्रोडक्ट क्या होगा वो भी बताना है, और ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या है ये, तो इंटरमीडिएट स्टेटमेंट से ही पता चलेगा ये क्या है, कार्बिन की रिएक्शन है, नाइट्रीन की रिएक्शन है, नॉरिस टाइप वन पाथवे है, नॉरिस टाइप टू पाथवे, फोटोकेमिकल कंडीशन के रिएक्शन होते हैं, नॉरिस वन नॉरिस टू। तो सिंपली ये वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर या निगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट, जनरेशन ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव, नेक्स्ट स्टेप में बॉन्ड आगे शिफ्ट, बॉन्ड ओपन क्लोज एंड यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी टेक्स प्लेस, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहां पे जनरेट क्या होगा दोस्तों, किटिन जनरेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहां पे जनरेट क्या होगा, किटिन का फॉर्मेशन होगा, किटिन जनरेशन विल बी टेक्स प्लेस, और जैसे ही यहां पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, डबल बॉन्ड ओ। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्या है, OMe का अटैक और बॉन्ड ओपन क्लोज, यहां से प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस एंड जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें आप देखोगे ये जो रिंग है वो 5 मेंबर है और इसमें हाइड्रोजन बाइंड हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ, OMe है, तो ये हमारी उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन में प्रोडक्ट तो यहां पे ए बी सी तीनों एग्जाम ए बी एंड डी में सेम दिया था, लेकिन यहां पे OMe है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो CO2Me दोनों में है लेकिन इंटरमीडिएट कार्बिन बनाया नाइट्रीन, तो सिंपली यहां पे N2 लॉस होके कार्बन पे निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, जनरेशन ऑफ कार्बिन बिकॉज इट इज उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो क्या है, उल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो फाइनल प्रोडक्ट भी आपको गिवन है एंड इंटरमीडिएट भी आपका क्या है, सिंपली कार्बिन। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था, बहुत अच्छी तरीके से हमने जो है रिएक्शंस पढ़ लिए। आज का सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो भी चार रिएक्शन हमने डिस्कस किए उसके मैक्सिमम एग्जांपल हमने सॉल्व किए हैं, और जो भी क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कर रहे कॉन्टेस्ट के फॉर्मेट में ऐप में डाउनलोड किए हैं, उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, फ्री ऐप को विजिट करना है, और ये पूरे PYQ 2005 से लेकर 22 तक के सॉल्व करने हैं, और स्कॉलरशिप टेस्ट के अंडर यहां पे ऑर्गेनिक सेशन में आपको सिंपली मैंने आज के लेक्चर की एक कॉन्टेस्ट अपलोड की है, कल के लेक्चर के भी कॉन्टेस्ट अपलोड किए है, नेम रिएक्शन ऐसे उस सेशन का नाम है, ठीक है। तो ये पूरी बातें आपको मिलेगी ऐप के अंदर, ऐप डाउनलोड करो बस प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, और फ्रीली आपके जो है प्रिपरेशन बूस्टअप करो, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बार बार बता रहा हूं आप ही का फायदा है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो रहने दो, कोई मेरा यहां पे कोई बेनिफिट है नहीं, दे रहे फ्री में, कोई बेनिफिट होगा भी नहीं, हमारा बेनिफिट आपका रिजल्ट है, आपका प्रिपरेशन बूस्टअप होना, यही हमारा मकसद है, दैट्स इट। चलो फिर आज का सेशन यहां पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सिमन स्मिथ रिएक्शंस एंड रिमर टिमन रिएक्शन। क्यों मैं सिक्वेंसली पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे देखोगे तो सिंपली जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में, यहां पे देखिए जो सिलेबस हमारा है उस सिलेबस में, जैसे कि मैंने यहां पे बताया बैच के बारे में भी बताया, सिमन स्मिथ रिएक्शन एंड सिमन स्मिथ रिएक्शन एंड रिमर टिमन रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट है, तो ये आपका सिलेबस है IIT जाम का, उसी को हम फॉलो करेंगे, यही पढ़ेंगे,
क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या पढ़ना है उससे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होगी तो क्या छोड़ना है, क्या स्किप करना है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे सिलेबस दिखाई दे रहा है उसी के बेसिस पे हम पूरी स्टडी करेंगे, डायरेक्शनल वे से स्टडी करेंगे। आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, ये टाइम आपका इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जस्ट आपका आज का सेशन था हॉफमन लोसन कर्टस एंड उल्फ रेजमेंट। कल के सेशन में सिमन स्मिथ रिएक्शन रिमर टिमन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको आपको कॉन्टेस्ट अवेलेबल करके दी है ऐप के अंदर। ऐप जस्ट डाउनलोड करो और वही एक जरिया है, तो ऐप डाउनलोड करो और ये पूरे जो चार्ट यहाँ पे दिया है उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। तो चलो आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एट द एंड जो भी मेरा कोई फ्रेंड है ज्वाइन करना चाहता है 3300 इतने मिनिमल प्राइस में आईआईटी जाम की पूरी प्रिपरेशन कर सकता है, और उसका आज का लास्ट डेट है ऑफर का, जिसमें 6+1 मतलब 7 मंथ की आपको वैलिडिटी वाला कोर्स जस्ट आपको 3300 और 600 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किए तो एक्स्ट्रा आपको 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, एक्स्ट्रा 7 महीने आपको मिल रहे हैं, 600 रुपए में 7 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्यूज का बुक नहीं मिला ऑर्गेनिक का, तो प्राइस वाला ठीक है, तो सेंड करो मुझे आपके डिटेल्स, आपको बुक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, जो क्विज रखेंगे उसके बेसिस पे भी एक्साइटिंग प्राइजेस आपको रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है क्या आज के सेशन में? अगर कोई डाउट होगा तो दोस्तों बता देना, अगर कोई डाउट है तो बता देना। आई होप आप सबको आज का सेशन बेहद अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है एस और नो? ओके, गुड नाइट, टेक केयर। क्रिस्टल क्लियर और नॉट बताओ भाई जल्दी। All clear. Very good. Bye-bye. Take care.